नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग क्या मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं आप सभी का स्वागत है अन पर दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंची रही है दोस्तों हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं चलो दोस्तों प्रारंभ करें आप जल्दी से आपके साथ सेशन को हम लोग यहाँ पर आ, दोस्तों ये सेशन आप देख रहे हैं अन अकेडमी ऐप पर भी और अनकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सीधे चैट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं सीधा अन अकेडमी ऐप पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक शेयर भी कर दिया वैसे इसका आ, वहां भी जुड़ सकते हैं सीधा मुझसे फटाफट शुरू करेंगे जल्दी से आप सेशन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलिए सर प्रारम्भ करें आज का अपना एम्वायर दोस्तों एम्बायर सेशन में आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स यानी जल शक्ति मंत्रालय की जी हाँ दोस्तों मैं उस पर आगे बढ़ूँ एक जानकारी आपको देना चाहूँगा यहाँ पर आप दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे साथ अन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इसी कड़ी में दोस्तों अन अकेडमी आपके लेकर आया है एक बहुत ही विशेष ऑफर जिसका आज अंतिम दिन है लास्ट डे है दोस्तों अन अकेडमी के इस ऑफर का और ये जो ऑफ़र है दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये ऑफर है आपके लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ दोस्तों जी हाँ फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है आपको अन अकेडमी के बैचेज में यहां पर जहां आपकी फीस जस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड है दोस्तों अन अकेडमी के आप आइकॉनिक कोर्स की फीस जीएस कोर्स की फीस जीएस यहाँ सी सेट और जीएस दोनों हो सकता है प्री कम मेन्स का दोनों प्लान कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों तैयारी कर रहे हैं चौबीस पच्चीस की तो आप जुड़ सकते हैं इस क्लास के साथ हमारे आ, बैच नए शुरू हो रहे हैं दोस्तों ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल से नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके लिए यहां पर और फीस है जस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड यदि आप यूज़ करें मेरा कोड आशीर्वाद थ्री सिक्सटी और जुड़ जाएं इस जगह पर दोस्तों तो क्या उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं दोस्तों हम लोग आप जुड़ पाए हैं चलिए इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा नए बैच शुरू हो रहे हैं बाय लैंग्वेज बैच दो हज़ार चौबीस के लिए दो हज़ार पच्चीस के लिए बाई लैंग्वेज बैच दोस्तों इसके अलावा हमारे जी एस के बैच दोस्तों जहाँ शुरू हो चुके हैं हिंदी मीडियम के लिए बैच शुरू हो चुका है दोस्तों जहाँ मैं आपके लिए साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर सेशन लेकर कर आऊँगा दोस्तों इसमें चलिए प्रारंभ करें दोस्तों जल्दी से सभी लोग तैयार हैं हमारे साथ ये क्लास आप देख रहे हैं दोस्तों कहां पर अन अकेडमी ऐप पर और अकेडमी यूट्यूब चैनल पर यदि आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं अकेडमी ऐप पर मेरे साथ जहां भी क्लास दोनों चल रही है दोस्तों चलिए प्रारंभ करें प्रारंभ करें जल्दी से सब लोग एक के फटाफट फटाफटेरा ठीक है सर हेलो आशीष हेलो अनमोल चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग आ, अपना आज का लेक्चर ओके दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ एक जल शक्ति मंत्रालय की आ, जल शक्ति मंत्रालय क्या है कैसे काम करता है क्या डिपार्टमेंट है आइए बात करें आपके साथ तो मैंने पहले पार्ट मैंने कभी कहा था आपसे कि हम पहले बात करेंगे इसमें ईयर बुक के बारे में दोस्तों जी हाँ अपना जो ईयर बुक का पार्ट है वो शामिल होगा इसके अंदर ईयर बुक शामिल करेंगे ईयर बुक के अलावा दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो भी साल भर में अपडेट आया है उसकी बात आपके साथ करते हुए चलूंगा मैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से आपके संग सेशन को ओके <clears throat> okay. अगर हम बात करें कुछ डेटा दूं पहले आपको शॉर्ट में दे दुनिया की लगभग 18 परसेंट पॉपुलेशन भारत पर रहती है दोस्तों 18 परसेंट पॉपुलेशन दुनिया के नवीनीकृत जल संसाधनों का रिन्यूअल वाटर जो कि आपका बारिश हो जाती है पानी आ जाता है दोबारा एक स्टोर है वो अलग बात है पानी बरसता है और दोबारा जाके फिर बरस सकता है तो हर साल हमको दुनिया का लगभग चार परसेंट पानी प्राप्त होता है बर्फ़ की फॉर्म में ग्लेशियर की फॉर्म में या फिर बारिश की फॉर्म में तो चार परसेंट पानी दुनिया का हमको मिलता है दोस्तों और दुनिया के लगभग ढाई परसेंट के आसपास ज़मीन या भूभाग हमारे पास है तो दुनिया का एट्टी परसेंट आबादी और चार परसेंट पानी तो निश्चित तौर पर काफ़ी ये मिसमैच है अपने आप में और यहीं पर मुश्किलें पैदा होती हैं चलिए तो एक सामान्य जानकारी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए याद रखिए हमारे जिस मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की बात मैं करूंगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत दो डिपार्टमेंट काम करते हैं ध्यान रखिएगा दो डिपार्टमेंट हैं एक डिपार्टमेंट का नाम है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा गंगजर्वेशन जी हाँ दोस्तों एक पूरा डिपार्टमेंट है दूसरा डिपार्टमेंट का नाम है डी ओडब्ल्यू डब्ल्यू एस डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि पेयजल और स्वच्छता विभाग या देखिए दो हज़ार चौदह तक यो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं डी ओ डब्ल्यू एस एक मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लेकिन बाद में 2014 के बाद इसको बना दिया गया पार्ट ऑफ जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों तो आज डिपार्टमेंट की फॉर्म में है केवल ये दो डिपार्टमेंट हैं इस मंत्रालय के अंतर्गत तो पेयजल और स्वच्छता विभाग और एक है दोस्तों जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग किस मंत्रालय में जल शक्ति मंत्रालय में आते हैं दोस्तों डिपार्टमेंटें दोनों आते हैं जल शक्ति मंत्रालय में उम्मीद करो मेरी आवाज़ पहुंच रही है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में पहली बार इस मंत्रालय का पहले नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जल संसाधन मंत्रालय बट नाउ नाउडे इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दो में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम कर दिया गया जल शक्ति मंत्रालय ठीक है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं इसको हम लोग दो डिपार्टमेंट बताएं मैंने इसके अधीन काम कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है सर यहां तक आइए इसके अलावा बात करें हम तो एक डेटा की आंकड़ा दूं दोस्तों मैं आपको यहां पर एक शब्द होता है वाटर स्ट्रेस जल तनाव और बताया जल की कमी दो शब्द हैं दोस्तों हिंदी में जल तनाव होना और एक जल की कमी होना वाटर स्ट्रेस होना और वाटर स्कैसिटी या वाटर की कमी होना समझिए दोनों शब्दों को यदि पर कैपिटा वाटर एवेबिलिटी यानी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता एक सीमा से कम हो जाती है यानी कि डेटा कितना है हमारे पास दोस्तों डेटा कितना है सुन लीजिए यहाँ पर मैं डेटा दे रहा हूँ आपको काम का है ये यदि जल की उपलब्धता दोस्तों 1700 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति से कम रह जाती है पर कैपिटा प्रतिवर्ष आपको प्रतिवर्ष यदि आपको 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी मिल रहा है तो आप वाटर स्ट्रेस में जी रहे हैं जल तनाव वाले इलाके में जी रहे हैं जल तनाव है अगर आपको पानी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम मिल रहा है तो आप जल की कमी वाले एरिया में हैं आप जल की कमी की दिशा में जी रहे हैं राइट नाउ कितना है हमारे यहाँ पर दोस्तों दो में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता थी दोस्तों हमारे देश में एट्टीन सिक्सटीन सत्रह सौ का आंकड़ा वाटर स्ट्रेस का देश का एवरेज था एट्टीन सिक्सटीन यानी देश का टोटल पानी का स्तर इतना था कि हम लोग सफिशियंट पानी पी सकते थे पानी हमारे पास था 2011 में कमी आ गई पर कैपिटा में प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता में और इका कितना रह गया 1500 यानी हम लोग 2011 में ही वाटर स्ट्रेस जीवन जी रहे हैं देश हमारा जो है वाटर स्ट्रेस हो चुका है अब इन पर समझे कुछ इलाके वाटर अच्छे कंडीशन में कुछ इलाके बहुत खराब कंडीशन में हैं और अब 2021 में आके रह गया दोस्तों आंकड़ा ये लेयरली 1486 का यानी कि देश में प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ जो मात्रा है समय 1486 क्यूबिक मीटर पर ईयर आपको पानी मिलता है तो निश्चित तौर पर सत्रह से काफी कम है यानी वाटर स्ट्रेस में है देश का एवरेज और अभी ठीक है अब एक हजार के ऊपर एवरेज अब फोर्टीन एट्टी है तो देश का बड़ा भाग क्या होगा एवरेज के नीचे यानी इससे काफी नीचे होगा हजार से भी नीचे यानी देश के कई इलाकों में जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है कुछ भाग जल की कमी का सामना कर रहे हैं कुछ भाग जल तनाव में है और कुछ भाग वाटर सफिशिएंट हमारे यहां काफी रखिए तो डेटा भी काम आएगा 1700 क्यूबिक का और हजार क्यूबिक का क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके साथ तो ये शब्द आया पहली बात तो क्या शब्द है दोस्तों वाटर स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है और वाटर स्कैसिटी कंडीशन क्या होती है उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें जोड़ते हुए चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 राष्ट्रीय जल नीति 2012 हजार बारह आ, देश में वाटर पॉलिसी बहुत नहीं आई है एक पॉलिसी आई 2012 दो में दोस्तों हमारे यहाँ नेशनल वाटर पॉलिसी दो हजार बारह में जारी की गई थी इस वाटर पॉलिसी का अल्टीमेट गोल था दोस्तों देश में आ, गवर्नेंस ऑफ वाटर जल की जो केंद्र राज्य की बंटवारा है या राज्यों लड़ाई होती राज्यों में तो गवर्नेंस ऑफ वाटर को अच्छा करना जल की प्रशासनिक संरचना को अच्छा करना इस इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य था दोस्तों फाइन कोई समस्या नहीं है हमको तो एन 2012 पी दो हज़ार बारह की बात करूँ इसमें एक बात कही गई थी इसको लेकर यू पी एस सी ने अगले साल सवाल पूछा दो हज़ार तेरह के पी टी में वो सवाल ये था इसमें कहा गया था कि जल को प्राइवेट हाथों में हैंड ओवर कर दिया जाए क्योंकि वो बिलिंग अच्छी कर पाएंगे लोगों से पानी का बिल वसूल पाएंगे क्योंकि सरकारें या हमारे जो जल बोर्ड हैं स्टेट जल बोर्ड होते हैं आपके आसपास वो बिल की रिकवरी करने में नाकाम रहते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस पर जी हाँ तो नेशनल वाटर फ्रेमवर्क की बात की थी इन्होंने कहा था कि देश में एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क तैयार किया जाए एक ऐसी बॉडी तैयार की जाए जिसमें केंद्र राज्य दोनों के लोग शामिल हों और पूरे देश के वाटर को मैनेज करना जानते हों अभी हमारे यहाँ केंद्रीय संस्थाएं अलग होती हैं पानी को लेकर राज्य की संस्थाएं अलग होती हैं इनके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव है समन्वय का अभाव है आ, इस बात को इस बार स्टैंडिंग कमेटी ने भी उठाया मामले को उसने भी कहा कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क तैयार किया जाए एक नेशनल वाटर अथॉरिटी तैयार की जाए जहां केंद्र राज्य मिलकर काम करें वाटर को बचाने के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर के यूटिलाइजेशन के लिए वाटर के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए दोस्तों जी हां तो एनडब्लूपी बहुत रिलेवेंट नहीं है आज की डेट में लेकिन एक जगह रिलेवेंट हो जाती है वो है हमारे यहाँ पानी की जो लड़ाई चल रही है राज्यों में केंद्र राज्य में राज्यों के बीचों में बीच के अंदर जिलों के अंदर उसको खत्म करने का तरीका है कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लागू किया जाए एक नेशनल वाटर अथॉरिटी तैयार की जाए इसमें केंद्र राज मिलकर काम करे कॉर्डिनेशन ऑन वाटर रिसोर्स दोस्तों जी हाँ इसकी बात आप कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर नेशनल वाटर पॉलिसी दो हजार बारह इसके अलावा दोस्तों एक हमारे यहाँ चल रहा है नेशनल वाटर मिशन राष्ट्रीय जल मिशन सुन लीजिए यहाँ पर नेशनल वाटर मिशन क्या है दोस्तों नेशनल वाटर मिशन की बात मैं करूँ आपसे ये जो मिशन है ये क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत तैयार किया गया था जैसा आप जानते हैं साल 2008 में एक मिनट रुकता हूँ क्या हमारे भी सब कुछ क्लियर है दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा है ऑडियो वीडियो कोई इशू तो नहीं आ रहा है ये क्लास आप अन अकेडमी ऐप पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो ऐप पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप सीधे चैट भी कर सकते हैं उससे आप ठीक है राहुल श्रुति क्लियर है हमको यहाँ तक बातें श्रद्धा दिव्या सब लोग क्लियर है हम लोग यहाँ पर चीजें हेलो राजेश अलो सब कुछ ठीक है फाइन टू थाउजेंड एट में दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एन ए पी सी इसका नाम सुना होगा आपने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसके अंतर्गत एट इन वन यानी आठ मुझे कहना चाहिए अलग मिशन लॉन्च किए गए थे एक बार याद करा दूंगा आपको याद होंगे वैसे तो एन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे कि सोलर नेशनल सोलर एनर्जी मिशन सौर ऊर्जा बनाते हैं हम उसके अंदर ग्रीन इंडिया मिशन हरित भारत मिशन लॉन्च किया था इसके अंदर हमने इसी में नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन लॉन्च किया हमने इसी में नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटाट राष्ट्रीय सतत आवास मिशन तैयार किया इसी में दोस्तों हम लोगों ने इसी में हमने तैयार किया आपके लिए यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोलॉजी हिमालयन परितंत्र को बनाए रखने का सतत बनाए रखने का राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया ये हमने लॉन्च किया इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर लॉन्च किया गया एनएम ट्रिपल ई -e, नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एनहेंस एनर्जी इफिशियंसी ऊर्जा दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया एलईडी बल्ब लगाते हैं ऊर्जा बचाते हैं स्टार रेटिंग वाले एसी आते हैं सब इसमें आते हैं दोस्तों एन एम ट्रिपल ई वाले मिशन में आपके दोस्तों इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया हमने और एक लास्ट मिशन लॉन्च किया जो हमारे काम का भी राइट नाउ वो है दोस्तों नेशनल वाटर मिशन तो राष्ट्रीय जल मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों अंडर द एजेस ऑफ एन ए पी सी सी ये मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था दोस्तों तो 2008 का मिशन है ये 15 साल हो गए वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है इस साल आठ थे इस साल सरकार ने तीन बढ़ाने की बात और कही है अभी तक गैजेट में छपा नहीं है तो वी वीकांट से कि वो तीन जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं बजट में कोई बात नहीं की निर्मला जी ने इस बारे में हाल फिलहाल से बात आई थी बीच में कि तीन और जोड़े जा रहे हैं उसको लेकर गैजेट में कुछ नहीं छपा मिनिस्ट्री वेबसाइट में कुछ नहीं आया बस एक स्टेटमेंट आया था ऐसा होने वाला है फाइनलाइज कुछ हुआ नहीं है लगता है मुझे अब तक इसको देखकर आइए जल मिशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों तो नेशनल वाटर मिशन जो है इसके पांच ऑब्जेक्टिव हैं या पांच उद्देश्य हैं आप सुन लीजिए फटाफट यहाँ पर काम आएंगे आपके लिए नेशनल वाटर मिशन अंडर द एजेस ऑफ एन ए पी दोस्तों आ, इसमें बहुत सिंपल सी बात है जो मैं कहता हूँ यहाँ पर सुन ली वन लाइन इसमें जो मेन फोकस है वाटर कंजर्वेशन पर वाटर इफिशियंसी पर जल दक्षता को ट्वेंटी बढ़ाया जाएगा वाटर इफिशियंसी को ट्वेंटी बढ़ाया जाएगा इसका मायने क्या है सर इसके मायने ये हैं कि जो काम अभी आप दस लीटर पानी में करते हैं उसको ट्वेंटी परसेंट कम पानी में कीजिए आठ लीटर पानी में कीजिए यानी की कि जल उतने ही जल, जल का प्रयोग करके अब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आइए आप अगर खेत में दस लीटर पानी डालते तो आठ लीटर डाल के उतना ही अनाज पैदा कीजिए तो ट्वेंटी परसेंट हैंस कीजिए अपने वाटर की एफिशिएंसी को जल की दक्षता को ये बात है दोस्तों इसके अलावा इसमें जो ग्राउंड वाटर को बचाने की बात कही गई है इसमें कहा गया है कि पानी का संरक्षण किया जाएगा सारी कॉमन बातें मुश्किल नहीं है दोस्तों एक बार अगर मैं आपको ईयर बुक में पढ़ के सुनाऊँ तो पाँचों ऑब्जेक्टिव इसके दिए गए हैं ईयर बुक के अंदर दोस्तों हमको यहाँ पर पाँचों ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है इस कार्यक्रम के उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है दोस्तों ईयर बुक का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर है ये चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर है दोस्तों ईयर बुक का आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन काम का है दोस्तों दो के सुन लीजिए पांच ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों डेटा बेस तैयार करिएगा यानी रिगार्डिंग भी हम नीड इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको डेटा बेस तैयार कीजिए कहाँ कितना पानी है देश के अंदर तो वाटर मिशन का एक ऑब्जेक्टिव डेटा बेस तैयार करना देश में इन्फॉर्मेशन तैयार करना पानी के बारे में इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना जल संरक्षण को बढ़ावा देना एक उद्देश्य है जल संरक्षण बढ़े हमारे पास दोस्तों तीसरा इसका उद्देश्य है यहाँ पर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका दोस्तों है यहाँ पर ओवर यूज एरिया जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है अति दोहन हो रहा है उसमें तो देख के पढ़ रहा हूँ किताब ना चिंता मत कीजिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीटिंग कर रहा हूँ बता रहा हूँ किताब में दिया है पाँचों पॉइंट जिससे आप सोर्स पढ़ पाएं कहाँ से पढ़ रहा हूँ ठीक है बता चुका हूँ ईयर बुक करंट अफेयर्स जो आएगा बताऊँगा मेरा कंटेंट होगा अभी ये बुक का सुन लीजिए मेरा काम है ईयर बुक को शॉर्ट में लेकर आना आपके लिए तो मैं बात करो दोस्तों वाटर कंजर्वेशन प्लस एज वेल एज़ जहाँ पानी ओवर यूटिलाइज हो रहा है ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है अति दोहन हो रहा है वहाँ पानी को बचाना तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाले इलाकों में पानी का संरक्षण करना ये बात है दोस्तों 20 परसेंट बताया मैंने वाटर एफिशिएंसी को बढ़ावा देना ये याद रखिएगा लास्ट पॉइंट और दोस्तों क्या करना है जो हमारे पास वाटर बॉडी हैं उनको बचाने के लोगों को प्रोत्साहित करना मास मूवमेंट बनाना है दोस्तों अगर आप मास मूवमेंट नहीं बनाएंगे पानी को बचाने के लिए तब तो तक नहीं बचा पाएंगे तो मास मूवमेंट बनाना है दोस्तों जन आंदोलन तैयार करना है पानी को बचाने के लिए उम्मीद कर रहा हूं ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे नेशनल वाटर मिशन आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों यहां से नेशनल वाटर मिशन क्लियर है पार्ट ऑफ एन पांच टारगेट हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत एक मिशन लॉन्च किया गया सही फसल अभियान हिंदी में कह सकते हैं सही फसल अभियान किसके अंतर्गत दोस्तों ये नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत ये मिशन काम करता है इसका नाम है सही फसल मिशन सही फसल अभियान क्या है दोस्तों सुन लीजिए सही फसल अभियान ये कि आप, आप चूंकि चाहते हैं पानी उतने ही पानी में ज्यादा फसल हो तो सही फसल का चयन कीजिए ना तो सही फसल का यानी सही क्रॉप पैटर्न हो सही क्रॉप को आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने खेत के अंदर आप तभी पानी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाएंगे मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे तो यहाँ पर 2019 में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों पुरानी बात हो गई हालांकि सही फसल अभियान नाम से स्पष्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रॉप कौन सी पैदा करनी है मिट्टी में कितना कौन कि मिट्टी का आपका टेक्स्चर क्या है मिट्टी की आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग पानी आप उसके अकॉर्डिंग फसल आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पानी की आवश्यकता भी कम होती जाएगी जी हाँ दोस्तों तो सही फसल अभियान अंडर द एजेस ऑफ नेशनल वाटर मिशन उम्मीद करो यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों अब आइए एक अभियान और दोस्तों हमारे यहाँ जल शक्ति अभियान कैच द रेन जहां बारी बरसे वहीं पकड़ लो जी हाँ दोस्तों ये एक अभियान चल रहा है हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों जल शक्ति अभियान कैच द रेन सी टी आर ये का अभियान था बेसिकली कांपनी को मिशन मिशन नहीं अभियान है छोटा सा इसमें क्या है दोस्तों जल शक्ति अभियान में वर्षा के जल का संचय करना कैच द रेन कैच द रेन सिंपल सी बात दोस्तों तो वर्षा के पानी को स्टोर करो वर्षा के पानी को बचाओ जहां पानी मिले वहां स्टोर कर लो कैच द रेन वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम है दोस्तों अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ये अभियान चलाया गया पूरे देश में लोगों को अवेयर किया गया पंचायतों में बावड़ी कुएं तालाब आदि को रिस्टोर किया गया कैश द रेन जी हाँ दोस्तों सिंपल सा अभियान था वर्षा के पानी का संचयन जल शक्ति अभियान एक याद रखिए जल शक्ति मंत्रालय का नाम है कंफ्यूज मत होइएगा जल शक्ति मंत्रालय है ये जल शक्ति अभियान देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे अभियान है वर्षा के पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर का कंजर्वेशन करना क्या यहां तक पहला पेज क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा स्लाइड क्लियर हो गया मेरा सर रिपीट क्या कर दूं बेटा अशोक कुमार सिंह क्या रिपीट करना है यूट्यूब पर मेरे दर्शक जो देख रहे हैं क्या कर दूं अशोक कुमार बताइए रिपीट करना है तो चलिए क्लियर दोस्तों को यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं ठीक है सर सर शॉर्ट्स किसकी शॉर्ट्स समझी बाबा यार एडिटेड करते हो किसकी शॉर्ट समरी क्या दोबारा बता दूं बताओगे टॉपिक का नाम लिखोगे सर ये दोबारा बता दीजिए अमान यार बी स्पेसिफिक क्वेश्चन तो ढंग से पूछो ना यार कि सर ये बता दीजिए पचास चैट चल रही है उसमें आप कह रहे हैं सर बता दीजिए कौन सा क्या बता दूं मैं आपको दोबारा दोस्त चलो मैं रुका भी आपके आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे बढ़े आपके साथ ऑलरेडी हम फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं दोस्त मैं कोई स्लो कोर्स नहीं करा रहा हूँ आपको यहाँ पर चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे आपके साथ ओके इसमें क्या हम बात करें पहले हम इसकी बात करते हैं आपके साथ आइए चालू करते हैं दोस्तों यहां से लास्ट से एन डब्लू डी ए डी ए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ध्यान सुनिएगा दोस्तों आ, ये कुछ संस्थाओं के नाम लिखे हैं कुछ बिल के नाम लिखे मैं चर्चा चाहूँगा एक बार आपके साथ यहाँ पर पहला है दोस्तों एन डब्ल्यू डी ए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ये जो संस्था है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट संस्था बनी हुई है आज की डेट में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी क्योंकि ये ना इम्प्लीमेंट कर रही है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इसको बनाया गया था एटीज़ के दशक में डिकेट ऑफ एटीज़ बनाया गया था दोस्तों इसको लेकिन ये इम्प्लीमेंट कर रही है कि अभी आपका आ, आ, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को आई तो में जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मेरे पास है इस पर जी दोस्तों जी हाँ आइए बात कर रहा हूँ मैं एनडब्ल्यू डी ए के दोस्तों सुनते जाइएगा कुछ बात कान नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसको बनाया गया था दोस्तों नाइनटीन में आज से चालीस साल पहले इसको बनाया गया था दोस्तों इसका मेन काम क्या है सुन लीजिए इसका मेन काम है पेनिसुलर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पॉस्पेक्टिव वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जी हाँ इसका काम है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है कि गंगा की नदियों में तो पानी रहता है हमेशा हमारे पास उत्तर भारत में आप गंगाटिक प्लेन में तो पानी रहता है जो दक्षिण की नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां हैं पेनेसुलर रिवर हैं उनमें पानी कमी हो जाती है तो इसका मेन काम है तो स्टडी करना सर्वे करना इन्वेस्टिगेशन करना कि पेनिसुलर वाटर जो नदियां हैं उसमें पानी डेटा कैसा रहता है ठीक है दोस्तों आ, याद रखिएगा एनडब्ल्यू डी ए को ही आजकल काम दिया गया है फिजिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ऑफ सब बेसिस स्टेट लाइक बिहार जी हाँ दोस्तों इसी को काम दिया गया है कि पूरे देश में कैसे हम लिंक कर सकते हैं रिवर को आपको उसका स्टडी करना है तो एनडब्ल्यू डी ए इन पॉइंट संस्था बनी हुई है आप जानते हैं केन बेतवा लिंक ऑलरेडी बन रही है आप में से मित्र मुझे बताएंगे जो केन बेतवा लिंक है दोस्तों ये नदियां हैं दोस्तों ठीक है इनके बीच एक नहर बनी है यहाँ पर ठीक है ए बी ठीक है पानी का डायरेक्शन ऐसे या ऐसे दोस्तों ठीक है यानी बताइए मुझे पहली बात तो ए रिवर कौन सी है और बी रिवर कौन सी है ए और बी कौन कौन सी नदियां बताएंगे दोस्तों मुझे आप लोग ए और बी कौन कौन सा है जल्दी से दोस्तों फटाफट एरा ए नदी कौन सी है बी नदी कौन सी है मैप में ऑर्डरवाइज चले उत्तर उत्तर बना दो उत्तर नॉर्थ साइड दोस्तों ये ए नदी कौन सी है एनी वन नोस कौन सी नदी है ए हमारी यहाँ पर ये नदी कौन सी है नहीं मालूम केन बेतवा लिंक में नहीं मालूम कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों रवि व्यास कुछ भी यार केन बेतवा लिंक की बात मैं कर रहा हूँ आपसे के की बात कर रहा हूँ के खेल रहा हूँ मैं आपके संग केन बेतवा कैनाल तो केन बेतवा कैनाल में केन कौन सी है बेतवा कौन सी है दोस्तों तक पूछा मैंने आपसे यहाँ पर ए लेको कह रहे हैं ए केन है सर और बी बेतवा है बहुत बढ़िया दीपक जी हिमांशु क्या है हिमांशु वर्मा कह रही हैं सर ए केन है बी बेतवा है टॉम एंड जेरी भी हमारे कुछ ना तो कुछ बोल रहे हैं सर देखो यार ऐसा मत ऐसे मत करो ना ऐसे करोगे तो मुश्किल हो जाएगा यार मैप आपको ढंग से याद होना चाहिए केन बेतवा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में एक बार नज़र मार लो तो ये है दोस्तों बेतवा नदी जिसको मैं ए नदी बोल रहा हूँ यहाँ से ये है आपकी केन नदी यानी बेतवा नदी साइड दोस्तों और केन नदी उसके साउथ पर दोनों यमुना की सहायक नदियों में से हैं दोस्तों ठीक है पहली बात याद रखिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं बेतवा नदी और यहाँ पर दोस्तों केन नदी ये केन है और ये बेतवा यानी ये अगर बनाऊँ मैं आपके लिए यहाँ पर तो डायग्राम बनाया दोस्तों मैंने ये हो गई आपकी बेतवा नदी और ये हो गई दोस्तों केन नदी ठीक है पहली बात पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ से के, के से बी की ओर या बी से के की ओर पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों ऑप्शन ए या ऑप्शन बी केन से बेतवा की ओर बेतवा से केन की ओर यानी मनोज कहाँ से कहाँ जा रहा है पानी हमारा श्रुति कह रही हैं बी मधु कह रहे हैं ए वरुण कह रहे हैं साउट टू नाउट बी टू ए जा रहा है सर काफी लोग देखो आप तो ये नहीं मालूम इतना पढ़ते रहते हैं हम लोग पानी दोस्तों यहाँ से यहाँ जा रहा है यानी कि ऑप्शन केन से बेतवा किसके कहते भी केन बेतवा लिंक या केन बेतवा कैनाल केन से बेतवा तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ दोस्तों ये मान लीजिए बेतवा है ये केन है ये यमुना की सहायक नदियाँ में ऑफ तो दोस्तों पानी जा रहा है केन से बेतवा की ओर ठीक है याद रखिएगा भूलिएगा मतलब दोबारा ठीक है, है, है।, है? पूरी बात तो यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है इसके लिए एक डैम बनेगा दोस्तों यहाँ पर तो पानी को रोका जाएगा पहले तो फिर एक डैम बनेगा वहाँ से नहर निकलेगी बेतवा की ओर ठीक है और ये जो इलाका है दोस्तों यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व है दोस्तों तो डैम बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक इलाका डूब गया इलाका डूब गया है यहाँ पर दोस्तों तो इलाका डूबने के बाद दो दो नए टाइगर रिजर्व बनाने पड़ गए हमको यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व का इलाका आधा रह गया तो टाइगर तो इतना ही है इलाका आधा रह गया तो यहाँ पर यूपी साइड रानीपुर और यहाँ दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं दोस्तों दो टाइगर रिजर्व बन चुके हैं यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में रानीपुर दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक यूपी में और एक एमपी में दोस्तों क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व डूब रहा है आपके इस केन बेतवा कैनाल के चलते दोस्तों याद रखिएगा भूलिएगा नहीं सारी बातों को एक बार मैप फिर देख लेते हैं आपके साथ तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो बेतवा नदी है वहाँ पर नहर जा रही है यहाँ पर देख ही रहे आप नहर जा रही है इस तरफ बेतवा में केन से नहर जा रही है केन नदी और यहाँ पर डैम है दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व में और जो डैम है ये इसका नाम क्या है दोस्तों इसका नाम है धुआधन या दौधन डैम दोधन डैम याद रखिए सारी कहानी इसकी दौधन डैम ये पूरी बात कर सकता है यूपीएससी आपसे दौधन डैम दोस्तों केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व में पानी को रोका जाएगा यहां से नहर जाएगी बेतवा की ओर केन बेतवा केनाल याद रखिएगा 44,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया बजट से इसके लिए अब आइए बता दूंगा सारी कहानी को आपको सुन लीजिए तो कौन बना रहा है इसको एनडब्ल्यू डी ए बना रहा है दोस्तों केन बेतवा लिंक का काम कर रहा है एनडब्ल्यू डी ए इन पॉइंट संस्था दोस्तों आ, इसके अलावा और क्या कर रहा है सुन लीजिए बजट स्पीच दो हजार बाईस तेईस निकाला है मैंने लास्ट ईयर के बजट में निर्मला जी ने क्या कहा था ध्यान सुनिएगा दो हजार क्या कहा था निर्मला जी ने केन बेतवा लिंक के लिए सरकार 44,000 करोड़ का एस्टिमेट कॉस्ट है इसके लिए केन बेतवा लिंक बनने का दोस्तों इससे लगभग 9 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो पाएगी दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर मिल पाएगा बासठ लाख ,00 लोगों को 103 हाइड्रो पावर मेगावाट प्रोजेक्ट बन पाएगा दोस्तों 27 मेगावाट सोलर पावर बन जाएगी यहां पर और इसके लिए सरकार ने इक्कीस बाईस में कितना पैसा दिया था चार हज़ार करोड़ और 2022 हज़ार में कितना दिया 1400 करोड़ रुपये दोस्तों जी हाँ तो भारत सरकार लगातार फंड अलॉट कर रही है फोर्टी करोड़ की परियोजना है याद रखिएगा ये जिसमें लगभग नौ लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित कर सकेंगे केन बेतवा लिंक बनने के बाद तो कौन देख रहा है सारा मामला एनडब्ल्यू डी ए सारी कहानी याद रखिए दोस्तों काम आएगी आपके साथ एनडब्ल्यू डी ए वन मोर थिंग वन मोर थिंग वन मोर थिंग इसके अलावा निर्मला जी ने बजट में लास्ट ईयर कहा था लास्ट ईयर बजट में कहा था कि पांच नदी परियोजनाएं और बनाएंगे हम लोग दमन गंगा पिंजल नदी पारतापी नर्मदा केन लिंक गोदावरी कृष्णा कृष्णा पेन्नार पिन्नार कावेरी दोस्तों तो एक बार इनको देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है गंगा पिंजल तापी नर्मदा गोदावरी से कृष्णा कृष्णा से पेन्नार पेन्नार से कावेरी मैप देखते हैं दोस्तों मैप देख लीजिए फटाफट यहाँ मेरे संग स्क्रीन पर तो ये आप देख रहे हैं मैप एक मै दो और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक मैप और दिखाना पसंद करूंगा तो एनडब्ल्यू डी ए याद रखिए सारी कहानी दोस्तों एनडब्ल्यू डी ए की हम लोग ओके तो दोस्तों ये देख रहे हैं दमन गंगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं तापी के बीच यहाँ पर देख रहे हैं दमन गंगा तापी के बीच दोस्तों ये लिंक बन रही है दमन गंगा तापी दमन दीप का दमन है वहाँ पर दमन गंगा और तापी अम दमन गंगा और पिंजल नदी तो दमन गंगा पिंजल पश्चिमी घाट की और पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली इसके अलावा पार तापी नर्मदा दोस्तों पार तापी नर्मदा प्रोजेक्ट ये बनने की बात चल रही है आपका और फिर यहाँ गोदावरी से कृष्णा कृष्णा से मैं कहूँ गोदावरी से कृष्णा कृष्णा से पिन्नार और पेन्नार से कावेरी तो ये लिंक बन रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर ये लिंक कावेरी तक जाएगा पूरा कावेरी तक तो ये तीन नदी एक दो तीन टोटल पांच प्रोजेक्ट और अप्रूव किए हैं भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में दोस्तों याद हो पाएगा हमारा सारा काम उम्मीद कर रहा हूं तो अभी याद हो जाएगा दोस्तों हमको आगे बढ़ेंगे फटाफट हम लोग यहाँ से तो ये काम कौन कर रहा है ये भी एनडब्ल्यू डी ए सारा काम देखेगा दोस्तों ठीक है तो एनडब्ल्यू डी ए याद हो जाएगा दोस्तों इन किस मंत्रालय में आएगा मिनिस्ट्री वही रहेगी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रहेगा दोस्तों इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन सा आता है डिपार्टमेंट आपका कौन सा वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन दोस्तों डिपार्टमेंट बड़ा सा नाम है डिपार्टमेंट का जल संरक्षण नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग वो देखेगा उसके तहत आता है एनडब्ल्यू डी ए दोस्तों क्लियर है क्या मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से क्या मैं आगे बढ़ूँ पाँच टॉपिक दमन गंगा पिंजल वन इज योर गोदावरी कृष्णा कृष्णा पिन्नार पिन्नार कावेरी और पार तापी से नर्मदा की ओर दोस्तों पांच प्रोजेक्ट याद रखिएगा केन बेतवा कैनाल के अलावा पांच और बन रहे हैं सर एमसीक्यू का एनालिसिस कराइए दोस्त एमसीक्यू पर एक बहुत बड़ी घोषणा मैंने थोड़ी पहले की थी वो क्लास आप शायद नहीं देख थोड़ा रिकॉर्डिंग खराब हो गया था उसका आ, कल 12 बजे ना कल दिन में 12 बजे अन अकेडमी ऐप पर आएंगे दोस्तों आप लोग अन अकेडमी ऐप पर आएंगे इस जगह पर जहाँ मैं अभी अन अकेडमी ऐप पर हूँ नॉट यूट्यूब पर नहीं अन अकेडमी ऐप पर आएंगे दोस्तों आपको इसी जगह पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देगा आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन होंगे सारों यदि वो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपकी स्क्रीन पर तीस सेकेंड रहेगा वो अगर दो स्टेटमेंट वाला है ए और बी वाला ऑप्शन है तो वो आपकी स्क्रीन में फोर्टी सेकंड रहेगा अगर वो तीन स्टेट वार्ड वाला है वन टू थ्री स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो एक मिनट रहेगा या उससे ऊपर है तो फिर सवा मिनट रहेगा वो रहेगा आपकी स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर देखिए उस क्वेश्चन को ओ शीट लेके बैठिएगा अपने साथ ओ में गोला भरिएगा। ब्लैक डॉट पेन से ब्लैक बॉल पेन से भरिए गोला टेस्ट के साथ साथ ओएमआर भरते चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसको भरते हुए चलना है दोस्तों आपको ठीक है ये काम करते हुए चलेंगे 12 से 1 बजे की में पचास क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आपके आंसर यहाँ नहीं आएंगे केवल क्वेश्चन आएगा आपको अपनी ओएमआर शीट भरनी है ओएमआर शीट भरने के बाद ओ शीट भरने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको आपको एक बजे जब टेस्ट खत्म होगा जब 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उस क्वेश्चन उस बुकलेट को या उस ओ को मेरे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है आपका आपको मिलेगा विंडो एक बजे से लेकर एक बज के पाँच मिनट के बीच में केवल पाँच मिनट के बीच में फ़ोटो खींच के अपनी ओ शीट का मुझे फॉरवर्ड कर देना है तुरंत पाँच मिनट के बाद वो वीडियो ग्रुप बंद हो जाएगा आपका एम शीट नहीं लिया जाएगा पाँच मिनट के अंदर सबमिट करना है आपकी ज़िम्मेदारी नहीं करा करा आपकी जिम्मेदारी है नहीं लिया जाएगा उसके बाद आप टेस्ट की रैंकिंग होगी दोस्तों लगता है मुझे फेयर से काम किया गया है किसी के पचास के पचास सही हैं तो मालूम पड़ जाएगा और एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आप गलत करेंगे ही करेंगे अगर आपने बहुत ढंग से करेंगे तो गलत करेंगे अदरवाइज़ वो क्वेश्चन गलत होने के लिए बनाए गए हैं तो पता लग जाएगा मुझे फेयर काम हुआ है क्या नहीं अगर फेयर ढंग से करेंगे तो आपकी एक रैंकिंग जारी होगी चूँकि बच्चे बहुत सारे देने वाले सभी को एक साथ लाने का मन तरीका यही था मेरे पास उम्मीद करूंगा ये तरीका पसंद आएगा आपको कल दिन में बारह बजे टेस्ट होगा बारह से एक बजे तक आपका पचास क्वेश्चन का जहां आपको आंसर नहीं मिलेंगे स्क्रीन पर केवल क्वेश्चन होगा ऐसा एग्जाम हॉल में होता है एग्जाम हॉल में फायदा होता है कि आप पेज पलट के दोबारा देख सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं होगा यहाँ टाइम शॉट में रहेगा क्वेश्चन उसका अगला क्वेश्चन स्विच हो जाएगा ठीक है दोस्तों एक घंटे में पचास क्वेश्चन करना है ऐसा टाइम ऊपर नहीं दे सकता दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक घंटे में पचास क्वेश्चन आपको ओ एम में गोला भी भरना है उसके अकॉर्डिंग ठीक है ना एक घंटे में पचास क्वेश्चन करने का काफ़ी टाइम मिलेगा सबमिट कर दीजिएगा अपनी ओएमआर शीट को उसके बाद नहीं ली जाएगी मुझे लगा फेयर काम है टीम को लगा फेयर काम हुआ है तो रैंकिंग जारी की जाएगी वरना ये क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएगा आपको यहाँ पर ऐप पर आपको इसका आंसर सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा ठीक है दोस्तों डिस्कशन नहीं करूँगा कोई पेपर पे मैं उसका आंसर प्रिंटेड फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाएगा टेस्ट पूरा होने के कुछ देर बाद ठीक है दोस्तों चलिए अब नेटवर्क प्रॉब्लम आता है मेरे कोई इशू नहीं है दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम आता है आपको आपके घर पर नेट नहीं आता दिन में आप सो रहे हैं मुझे कोई इशू नहीं है मुझे काम है टेस्ट लेना आपको आना है तो आइए नहीं आना तो मत आइए आपकी इच्छा है दोस्तों टेस्ट दिन में कल बारह बजे होगा ठीक है <coughs> नेटवर्क पर मैं कुछ नहीं कर सकता ना ये इसलिए ऐप पर ला रहा हूँ मैं इसलिए ऐप पर टेस्ट ले रहा हूँ ऐप पर नेटवर्क का इशू नहीं होता है ऐप पर आपको बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए होती है यूट्यूब पर होता है बेनफिट की इशू होता है या मैं अपनी ऐप पर लेता वहाँ इशू होता है या प्लस पर होता है यहाँ सिंपल सा टेस्ट है ऐप पर होगा फास्टेस्ट वे है सीधे क्वेश्चन आता है सीधा आपको दिखता है दोस्तों बिना डिले के क्वेश्चन चलता है आ, कल हम करके देखते हैं पहला टेस्ट अगर सक्सेसफुल जाता है अपना मेथड ये आप लोग सबमिट करने में सफल रहते हैं अपनी होमवार शीट को टाइम के अंदर तो फिर मैं दूसरे टेस्ट तीसरा टेस्ट चौथा टेस्ट पांचवा टेस्ट दस टेस्ट मैंने प्लान किए पाँच सौ क्वेश्चन दोस्तों वो मैं क्या करके करूँगा अल्टरनेट डेज में लेकिन कल का प्रोग्राम सफल होना चाहिए उसके लिए वो ज़रूरी कल का प्रोग्राम सफल हो पाए हमारा तो आप कल बारह बजे आइए आराम से उस क्लास में बारह से लेकर एक बजे तक टेस्ट होगा दोस्तों

ओ एम आर लेकर बैठिएगा कोई कॉपी पे निशान विशान ला के मत दीजिएगा कुछ तरह से नहीं ओ एम आर गोला भर के देना है ओ एम आर नहीं है तो ले आइएगा सोए मार्केट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा मिल जाएगी ओ एम आर आपको ब्लैंक नाम लिख कर टेस्ट नंबर लिख कर टेस्ट वन लिख कर डेट लिख कर सबमिट करना है आपको ठीक है ओ एम आर पर ब्लैक बॉल पेन से यूज़ कीजिएगा कुछ और नहीं चलेगा ठीक है देखते हम लोग कर पाएंगे सफलतापूर्वक तो अच्छी बात है वरना तो फिर आप लोग बैठे हैं मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर चलिए प्रारंभ करें दोस्तों ओके एनडब्ल्यू डी ए हो गया दोस्तों एनडब्ल्यू डी ए हो गया हमारा यहां पर ठीक है तो यहां डैम का नाम पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम चीज या याद रखिएगा दोस्तों आप लोग धोधन डैम केन से बेतवा की ओर पन्ना टाइगर रिजर्व सारी बातें आप याद कर सकते हैं चलिए फिर से लौट के आएंगे दोस्तों दो टॉपिक पर अपने इंडेक्स पर ओके okay, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों बात करते हैं आपके साथ डैम सेफ्टी एक्ट और ड्रिप इन दोनों को मिलाकर बात करूंगा दोस्तों मैं आपसे टॉपिक को मिलाकर बात करूंगा बांध सुरक्षा अधिनियम डैम सेफ्टी एक्ट बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पास हो गया दोस्तों ये बिल लाया गया था 2019 में और फाइनली पास हो गया एक्ट बन गया 2021 का एक्ट बन गया दोस्तों नेशनल डैम सेफ्टी कमीशन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी दो नई संस्थाएं तैयार हो गई हमारे यहां पर बात करेंगे इस पर ड्रिप डैम रीहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसका फेज़ टू फेज थ्री चालू हो गया सरकार ने पैसा अलॉट कर दिया बात करेंगे इस पर भी आपके साथ दोनों को सुन लीजिए फटाफट उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें पहुँच रही हैं आप तक क्या है डैम सेफ्टी दोस्तों चलिए चलते हैं डैम सेफ्टी पर लेकर आपको यहाँ पर सीधे हम लोग आते हैं डैम सेफ्टी पर आपके साथ ठीक है अगर दोस्तों आप अगर ऐप पर आके पढ़ रहे हैं इस बैच में अभी यहाँ पर ऐप पर क्लास चल रही है यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ नोट्स अटैच मिल जाएंगे क्लास के बाद आपको पी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मांगने की मुझसे यहाँ पी आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों चलिए सुनते हैं आगे चलते हैं आपके साथ आइए बात कर रहे हैं ड्रिप कार्यक्रम की पहले ड्रिप क्या है दोस्तों डैम रीहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना दोस्तों आइए बात करते हैं ड्रिप के बारे में आ, ये मंत्रालय से आप जानते कौन सा मंत्रालय की बात कर रहे हैं इसका फेज़ टू और फेज़ थ्री शुरू किया गया है दोस्तों जी हाँ सरकार ने अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसका फ़ेज़ टू और फेज़ थ्री लागू हो गया कैबिनेट ने अप्रूव दो साल पहले किया था लास्ट ईयर लागू हो गया दोस्तों ये फाइनली चालू हो गया है इन पॉइंट बात क्या है ड्रिप का मतलब है जो बांध हैं उनकी मरम्मत की जाए उनको बेहतर किया जाए उनको वो लीकेज हो रहा है कहीं पर कुछ संकट लगता है कुछ कमज़ोरी लगती है तो सही किया जाए या जो डैम डा, है हमारे वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको रीहैप करा जाए जिससे उसका कंस्ट्रक्शन करना आसान हो सके तो ये बात की दोस्तों यहाँ पर टेन करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों ये डैम ड्रिप प्रोजेक्ट इसको भारत सरकार ने अप्रूव किया लेकिन वर्ल्ड बैंक मदद करेगा और मदद करेगा इसमें ए आई आई बी जी हाँ एक्सटर्नली एडेड है ये पूरा का पूरा ये जो आपका प्रोजेक्ट है विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और ए आई आई बी द्वारा समर्थित है दोस्तों दो संस्थाएं मदद कर रही हैं एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बींग प्रोवाइड बाय द वर्ल्ड बैंक एज वेल एज ए आई आई बी उसको फंडिंग देगा दोस्तों ठीक है आगे बढ़िएगा दस साल के एडिशन में चलेगा दोस्तों प्रोजेक्ट चलेगा दस साल का ये दस साल तक चलेगा प्रोजेक्ट दो हज़ार इक्कीस से दो हजार इकतीस तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है इक्कीस से इकतीस तक चलेगी परियोजना दोस्तों ये 2021 से 31 तक दो फेज में होगा फेज टू और फेज थ्री फेज वन पूरा हो चुका है इसका फेज टू और फेज थ्री में काम होगा 10 साल का प्रोजेक्ट है दोस्तों टाइम है इसका 10 साल का प्रोजेक्ट की लागत है दस हजार करोड़ की वर्ल्ड बैंक एआईबी सपोर्ट करेंगे डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या क्या परियोजना के अंदर है तो दोस्तों भारत में बता दूं लगभग पाँच के आसपास बड़े बांधे हैं हमारे पास जो बड़े बांध कहते हैं हम लोग एक संस्था है हमारे दूँ एक संस्था का नाम मुझे याद आ रहा है नेशनल रिपोजिट्री ऑफ लार्ज डैम अगर मैं संस्था का नाम सही दे रहा हूं तो एनआर लार्ज डैम एन डी ठीक है लिसन केयरफुली हमारे दोस्तों एक एक संस्था है हमारे यहां पर नेशनल रिपोजिट्री ऑफ लार्ज डैम अगर मैं कहूँ तो राष्ट्रीय बड़े बांध या जो मेगा बांध होते हैं बड़े बांध आ, डेटा या बड़े बांध का सूची जारी करने वाली संस्था उसका डेटा बेस रखने वाली संस्था तो एक संस्था है एन उसके मुताबिक देश में 5000 से अधिक बड़े बांध हैं हमारे पास दुनिया में थर्ड नंबर पर है हम लोग बड़े बांधों की सूची में चीन और अमेरिका के बाद हमारे पास लगभग पाँच या बड़े बांध हैं और 400 बांध बन रहे हैं लगभग देश के अंदर हमारे पास चाइना और यूएसए के बाद थर्ड नंबर पर हम लोग बड़े बांध की सीरीज़ में दोस्तों फाइन अब बड़े बांध का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता रहता है नुकसान होता रहता है कभी टूट जाए तो मर सकते हैं काफ़ी लोग नुकसान हो सकता है इसीलिए उनको लगातार इम्प्रूव करना ज़रूरी है तो ड्रिप प्रोजेक्ट चलाया गया दोस्तों फ़ेज़ टू फेज़ थ्री चलेगा तो so, जो एग्जिस्टिंग डैम हैं अब पाँच आठ डैम एक्सरसाइज सही करेंगे नहीं हम लोग उनमें से पहले फेज में उन्होंने कर दिया मान लो दो सौ डैम सही अब फेज़ टू फेज़ थ्री में पचास या चार सौ पाँच सौ डैम और ले लेंगे उनको सही किया जाएगा फिर फेज़ फोर आएगा फिर पाँच सौ आठ सौ डैम लेके सही कर देंगे तो कई फेज़ में चलेगा प्रोग्राम दोस्तों ये तो यहाँ पर कुछ डैम आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको सही किया जाएगा उनको रिन्यू किया जाएगा उनको उनको किया जाएगा दोस्तों ठीक बात है यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर देखो इंडिया थर्ड रैंक ग्लोबली है चाइना और यूएस के बाद बताया मैंने लगभग पाँच हज़ार तीन सौ चौतीस लार्ज डैम हमारे पास हैं और चार सौ ग्यारह डैम बन रहे हैं बड़े डैम बन रहे हैं दोस्तों ठीक है चलिए हम बात करें आगे बढ़ें दोस्तों आपके साथ तो भारत में लगभग पाँच चार टेन दोस्तों तो आप फेज़ टू और फेज़ थ्री फेज़ वन चला दोस्तों दो से इक्कीस तक पंद्रह से इक्कीस तक छः साल चला फेज़ वन फेज़ टू इक्कीस से सत्ताईस तक छः साल चलेगा और फेज़ थ्री पच्चीस से इकतीस तक छः साल चलेगा थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फेज़ वन चला था इसका 2015 से 21 तक छः साल फेज़ टू चलेगा दोस्तों 21 से 27 तक और फेज़ थ्री चलेगा आपका पच्चीस से इकतीस तक यानी दो साल ओवरलैप रहेगा इन दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है दो अलग प्रोजेक्ट है दोस्तों यहां बांधों की संख्या पहचानी गई है ठीक है तो ये चलेगा आपका फेज टू में दोस्तों हम बात करें यहां पर पांच डैम का प्रस्ताव है फेज थ्री में कुछ दे, दस डैम का प्रस्ताव है तो पांच डैम दस डैम आइडेंटिफाई किए गए जिनको सही किया जाएगा क्या ड्रिप क्लियर है दोस्तों आपके लिए ड्रिप प्रोजेक्ट क्लियर है क्या दोस्तों ड्रिप प्रोजेक्ट क्लियर है आप लोगों के लिए बताइए चैटबॉक्स में जल्दी से मुझे क्या ड्रिप प्रोजेक्ट क्लियर है दोस्तों ठीक है सर फाइन ओके अब बात करते हैं ड्रिप जो दोस्तों डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पास हो चुका है संसद में ये बिल आएगा 2019 में तब की बात मैंने की तब भी बात की थी मैंने इसके बारे में बिल काउंट पास हो गया दोस्तों डैम सेफ्टी एक्ट बिल आएगा दो में इक्कीस एक में एक्ट बन गया ये डैम सेफ्टी एक्ट दो एक में तैयार हो गया क्या कहता है दोस्तों चार पांच स्लाइड है सुन लीजिए आराम से तो 2019 में रखा गया था लोकसभा बिल दोस्तों ये आपका ठीक है इसका गोल क्या था इसका गोल था सर्विलांस इंस्पेक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स अक्रॉस द कंट्री जी हाँ दोस्तों जो चयनित बांध होंगे निर्दिष्ट बांध होंगे उनकी चौकसी निरीक्षण परिचालन रख रखाव संबंधी मजबूती काम करना दोस्तों इसमें संस्थाएं बनानी थी हमको यहाँ पर इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करना था हमने बनाया इसको ठीक है बिल पास हो गया दोस्तों तो कौन से बांध होगा इसमें बात की डैम सेफ्टी किसकी होगी ऐसी बांध जिनकी ऊंचाई 15 मीटर होगी तो 15 मीटर ऊंचे बांधों को इसमें प्रोटेक्ट किया गया हां अगर 10 मीटर से 15 मीटर है 10 से 15 मीटर हाइट हो सकती है बांध की लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसका डिजाइन इस प्रकार को मान लो करवेशियस बांध है कोई कर वाला बांध है अगर फ्लैट बांध है तो भाई पंद्रह मीटर होना चाहिए अगर कर्वेशियर वाला बांध है कर्वेचर वाला बांध है तो 10 मीटर भी ऊंचा है अगर तो भी मान लेंगे उसको ठीक है चलो कोई बात नहीं तो अगर डिज़ाइन स्ट्रक्चर बिल में विशेषता उसकी लिखी होंगी क्या क्या होना चाहिए तो छोटा बांध भी चलेगा लेकिन आमतौर तो से बड़े बांध शामिल किए जाएंगे बांध की सेफ्टी की बात हो रही है दोस्तों तो क्या बनेगी पहले तो नेशनल कमेटी ऑन डेम सेफ्टी दोस्तों जी हाँ एन बनेगी संस्था ध्यान सुनिएगा एन बनेगी ये yes, क्या होगी दोस्तों ये केंद्र स्तर बनेगी बॉडी यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन होगा सी डब्ल्यू सी का चेयरपर्सन इसका अध्यक्ष होगा जी हाँ सी डब्ल्यू सी सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष जो होगा केंद्रीय जलायोग संस्था है दोस्तों जो इस मिनिस्ट्री में काम करती है केंद्रीय जल आयोग का जो अध्यक्ष होगा चेयरपर्सन होगा वो किसका चेयरपर्सन होगा एन सी डी एस नेशनल कमेटी ऑन डेम सेफ्टी का अध्यक्ष होगा दोस्तों ठीक है इसमें कौन कौन लोग होंगे केंद्र सरकार के दस लोग होंगे राज्यों के सात लोग होंगे और तीन इसमें एक्सपर्ट होंगे डैम के सेफ्टी के तो लो बीस बाईस लोगों की कमेटी होगी दोस्तों केंद्र राज्य के दोनों के लोग शामिल होंगे और डैम की सेफ्टी पर चर्चा करेंगे फाइन सर क्या काम होगा इसका इसका काम होगा दोस्तों रेगुलेशन यानी कुल ला रेगुलेटरी बॉडी है शॉर्ट ऑफ ये एक रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी बनाना रेगुलेशन बनाना दोस्तों डैम सेफ्टी के लिए इसके अलावा ये काम काम करेगा आखिर बड़े बांध अगर फेल होते हैं मेजर डैम टूटते हैं लीकेज होता है फेल होते हैं तो कारणों की जांच करना और कैसे इसको सही कर सकते हैं उस पर सलाह देना दोस्तों तो बड़े बांधों के फेलियर पर कारणों की जांच करने का काम कौन करेगी कमेटी करेगी मान लो कोई बांध टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो कौन जांच करेगा एन करेगी दोस्तों जी हाँ इन पॉइंट बात है केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी बांध राज्यों में बना है लेकिन अधिकारी जाएंगे केंद्र के जाँच करने के लिए अलग राज्यों के भी होंगे लेकिन केंद्र के अधिकारी तो राज्य कहते हैं भाई गलत काम है ये तो अब मुला पेरियार डैम बना है मान लो केरल के अंदर उसमें लीकेज होने की बात आती है डर लगता है तो एन के अधिकारी जाएंगे जाँच करेंगे और एक्सपर्ट बताएंगे कि समस्या क्या है वहाँ पर तो निश्चित तौर पर इसे केंद्र संबंध खराब हो सकते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके अलावा दोस्तों बनेगी एक संस्था एनडीए से एनडीए से दोस्तों नेशनल डेम सेफ्टी अथॉरिटी याद रखिए चर्चा में रही है संस्था ये कारण है मुला पेरियार पर संस्था को नहीं बनाया गया था कोर्ट ने कहा बनाइए है दो दिन के अंदर तो सरकार ने टेम्प्री व्यवस्था बना दी दोस्तों जी हाँ तो एन ये क्या है दोस्तों इसमें कौन होंगे मुख्य एडिशनल सेक्रेटरी का अधिकारी नहीं होगा जो अधिकारी होंगे इसमें नॉट ब्लोअर देन एडिशनल सेक्रेटरी कम का अधिकारी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर इसका काम क्या है ऊपर कमेटी ने जो पॉलिसी बनाई है ना उसको इम्प्लीमेंट करना ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो ऊपर कमेटी से बन के आ रहा है उसे क्रियान्वित करो तो इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी फॉर्मेड बाय द एन यानी जो ऊपर कमेटी बनाकर दे रही है उससे इंप्लीमेंट कौन करेगा एन डी एस से इम्प्लीमेंट करेगा दोस्तों रिसॉल्विंग इशू बिटवीन द डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक राज्य का राज्य सुरक्षा संगठन है बांध सुरक्षा दूसरे राज्य का भी संगठन है दोनों लड़ाई हो गई किसी मुद्दे पर तो मामला कौन सुलझाएगा ये समझाई दोस्तों यही अथॉरिटी सुलझाएगी यहाँ पर नियम और बात करें इन्वेस्टिगेशन करने काम भी करेगी ये और कहीं ना कहीं जो बांध बनाने वाली कंपनियां हैं बांध बनाने वाले ठेकेदार हैं उनको एक्डेशन उनका पंजीयन उनका उनको एक्रेडेशन भी देंगे दोस्तों ऐसी एजेंसी को एक्रेडेशन भी देंगे हो पाएगा तो ये सारा काम कौन करेगा दोस्तों आपका इसके अलावा एक संस्था और होगी आपकी स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन राज्य का अपना होगा दोस्तों एस डी एस ओ ये राज्य के अपने अपने राज्य में होगा दोस्तों इसका मेन काम क्या होगा इसका मेन काम होगा दोस्तों बांध पर किसी एक राज्य का स्वामित्व दूसरे राज्य में स्थित है जो बांध आपके राज्य में होंगे ना उस पर आपका अधिकार है एस डी एस ओ जांच करता रहेगा ठीक है दूसरे राज्य में बांध है उसका राज्य का एस काम करेगा लेकिन एक राज्य में बांध है इसका पानी दूसरे राज्य को जाता है कंट्रोल दूसरे राज्य के पास है तो फिर कौन देखेगा इस मामले को इस मामले को देखेगी दोस्तों फिर नेशनल एनडीए या नेशनल जो आपकी डेम सेफ्टी अथॉरिटी है वो देखेगी एक राज्य में बांध है जैसे बुल्ला पेरियार पर्टिकुलरली बांध है केरल में पानी जाता है तमिलनाडु को कंट्रोल तमिलनाडु का तो यहां पर केरल का एस नहीं देखेगा इस बांध को कंट्रोल कौन देखेगा एनडीएस क्या मेरे पॉइंट क्लियर हो पाए दोस्तों यहाँ पर तो एस डी एस ओ के काम क्या क्या विन पॉइंट नहीं है ऐसी स्टेट में कमेटी होंगी यहाँ पर जो स्टेट के बांधों को देखेंगी छोटे बांधों को देखेंगी चलिए हमारे काम का इतना नहीं है इसके अंदर उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात स्पष्ट है दोस्तों यानी कि डैम सेफ्टी एक्ट दो हज़ार इक्कीस इन पॉइंट संस्था दोस्तों पंद्रह मीटर से ऊपर वाले बांध आएंगे इसके अंदर पहली बात दूसरी बात दोस्तों ऊपर होगी नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी इसके अध्यक्ष कौन होंगे सी डब्ल्यू सी के चेयरपर्सन प्लस दस मेंबर केंद्र के सात राज्य के तीन एक्सपर्ट ये इस कमेटी के स्ट्रक्चर होगा दोस्तों इसका मेन काम क्या होगा पॉलिसी तैयार करना इसका मेन काम होगा दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करना अगर कोई बड़ा बांध टूट जाता है तो उसके कॉज उसके कारणों की जांच करना ये इसके मेन काम होंगे दोस्तों इसके नीचे एक संस्था काम करेगी नेशनल अथॉरिटी ऑन डेम सेफ्टी या राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिसमें सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होंगे एडिशनल सेक्रेटरी से कम का अधिकारी नहीं हो सकता है इसके अंदर दोस्तों और इसलिए क्या करेगी जो पॉलिसी बन के आ रही है यहाँ से उसका क्रियान्वयन करेगी राज्यों में संस्था होगी एस डी एस ओ स्टेट डेम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यदि यहाँ पर एक राज्य का दूसरे एस डी एस ओ विवाद हो गया तो कौन देखेगा अथॉरिटी देखेगी दोस्तों इस मामले को ये सारे काम होंगे आपके यहाँ पर ठीक है और यदि एक बांध राज्य में बांध है लेकिन पानी दूसरे राज्य को जाता है तो इसका नाम अथॉरिटी कौन देखेगी एनडीएसए ही इसको देखेगी यानी ये संस्था इसको देखेगी क्या स्ट्रक्चर क्लियर है क्या बातें समझ में आ गई हैं मैं आगे बढ़ सकता हूँ एक बार सभी लोग बता दीजिए ये क्लास आप अभी देख रहे हैं अनकैडमी अकेडमी ऐप पर दोस्तों मेरे साथ और देख रहे हैं आप यूट्यूब पर भी गॉट इट और नॉट क्लियर है सर क्लियर है सर मामला चलिए okay, ओके आइए दोस्तों अगली बॉडी की बात करते हैं अगली संस्थाओं की बात करते हैं मैंने शाम में कहा था इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा का पूरा आपका ये चर्चा रहेगी इस पर पूरे पर आपके साथ ठीक है सर ये हो गया और ये हो गया आइए वन लाइनर देख लें कुछ डब्लू आर आई एस दोस्तों डब्ल्यू आर आई एस दो हज़ार दस में इसको बनाया गया था क्या है डब्लू आर आई एस दोस्तों सुन लीजिए डब्लू आर आई एस क्या है एक बार देख लेते हैं आपको संग डब्लू आर आई एस डब्लू आर आई एस डब्लू आर आई एस जल संसाधन सूचना प्रणाली जल संसाधन सूचना प्रणाली इसका नाम है दोस्तों डब्ल्यू आर आई एस एक पोर्टल चलता है हमारे इसका नाम है इंडिया डब्ल्यू आर आई एस इंडिया डब्ल्यू आर आई एस दोस्तों एक सिंगल लाइन पोर्टल है सिंगल लाइन पोर्टल है दोस्तों अपने आप में पानी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कितना पानी देश में कहाँ कहाँ किस राज्य में कितना पानी है कितना बारिश होती है कितना स्टोरेज है कितना ग्राउंड वाटर है कितना सरफेस वाटर है कितना कुएं के अंदर है कितना तालाबों के अंदर है कितना ग्लेशियर में जमा है एवरी इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट वाटर एंड वाटर साइंस आपको अगर चाहिए इन डेटा चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया के वाटर रिसोर्स के बारे में तो सिंगल पॉइंट सोर्स से चले आइए वायरस वायरस पोर्टल पर डब्ल्यू पोर्टल दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय में आता है पोर्टल आपका ठीक है इसको बनाया गया था दोस्तों 2010 में तैयार किया गया था दो हज़ार में एग्रीमेंट हुआ था किसके -किस इसके बीच में सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री जो जल शक्ति मंत्रालय में आता है एन आर दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका जो इसरो का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है दोस्तों यानी इसरो और केंद्रीय जल आयोग मिलकर इस डेटा पोर्टल को चलाते हैं फिर सुन लीजिए डब्ल्यू आर आई एस वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक पोर्टल है जहां भारत के जल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस पोर्टल को स्थापित किया गया था 2009 में एक एग्रीमेंट हुआ था इसरो और जल मंत्रालय के बीच इसरो का डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र और जल शक्ति मंत्रालय में है दोस्तों केंद्रीय जल आयोग इनके बीच एक सहमति बनी थी और दो के बाद हमने यहाँ पर इसको लागू किया था इंडिया डब्ल्यू आर आई एस पोर्टल दोस्तों ठीक है ना बहुत मुश्किल नहीं होगा इसको याद करना वन लाइनर फैक्ट याद कर लीजिएगा आइए एस एक संस्था की बात और कर लें आपके संग फटाफट हम लोग यहां पर आ, अगली संस्था है दोस्तों एनडब्ल्यू आई सी एनडब्ल्यू आई सी सेम संस्था है पोर्टल का नाम है इंडिया वारिस पोर्टल का नाम है इंडिया वारिस दोस्तों ठीक है यह संस्था क्या आई एस की बात करें दोस्तों ये संस्था क्या है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये केंद्र है ये इंस्टीट्यूशन है इंडिया डब्ल्यू आर आई एस एक पोर्टल है जानकारी मिलेगी ये एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों इंस्टीट्यूशन क्या है जो डेटा को रखता है डेटा को एक्सेस देता है इसके पोर्टल का नाम है डब्ल्यू आर आई एस अलग बात है लेकिन संस्था भी अपने आप में दोस्तों ये नेशनल वाटर इंफॉर्मेट्रिक सेंटर आप याद रखिए दोस्तों तो किस में आती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और जल शक्ति मंत्रालय इसको हम कहते हैं आज की डेट में आ, इस पर कोई भी डेटा अपडेट होता रहता है इसके तुरंत यहाँ पर सेंटर है दोस्तों इसका जाके आप पता कर सकते हैं यहां पर कि क्या पानी की स्थिति है देश में पर कितना पानी है एक सेंटर आपको जानकारी देता है नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक सेंटर आपका इन्हीं के पोर्टल का नाम है इंडिया वार या इंडिया डब्ल्यू आर आई एस आप याद कर सकते हैं दोस्तों इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं हम लोग सुन लीजिए नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक सेंटर क्लियर है चलिए वन मोर थिंग वन मोर थिंग आप इसको याद कर सकते हैं एक चीज और यहाँ पर अभी हाल ही में दोस्तों एक अपडेट आया था अपने पास वो था दोस्तों यहाँ पर जलदूत ऐप जलदूत ऐप ने लॉन्च किए किसने लॉन्च किए दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है जलदूत ऐप को यहाँ पर जलदूत ऐप और जलदूत ऐप को लॉन्च किया है जलदूत ऐप क्या है ये तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय ने दोस्तों जलदूत ऐप को तैयार किया दो मंत्रालय ने मिलकर दो मंत्रालय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों दो मंत्रालय हैं आपके पास इन्होंने मिलकर तैयार किया है इसका उद्देश्य क्या है देश में हर गांव में क्या करेंगे हम लोग दो से तीन कुएँ देखेंगे हर गांव में दो से तीन कुएँ देखेंगे उसमें पानी का स्तर क्या है पूरे देश में जितने गाँव हैं हर किसी गाँव में दो से तीन कुएँ देखेंगे इससे डेटा तैयार होगा जल्द ऐप पर डेटा अपडेट होता रहेगा जलदूत ऐप को तैयार किया है दो मंत्रालय ने मिलकर लेकिन डेटा आएगा कहां से डेटा कहां अपडेट हो रहा है साथ में डेटा अपडेट हो रहा है दोस्तों एनआर के पास जी हां रेगुलर डेटा टू तो बी इनपुट बाय द जलदूत वुड बी इंडिकेट विद द डेटा बेस ऑफ नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर यानी कि जो जलदूत ऐप पर डेटा आता रहेगा वो जुड़ा हुआ है डेटा जलदूत ऐप का कहाँ पर एनडब्ल्यू के साथ यानी जलदूत ऐप पर डेटा आएगा वो अपने आप अपडेट किसो कर देगा एन डब्ल्यू आई सी डेटा अपडेट कर देगा यानी इंडिया डब्ल्यू आर जो पोर्टल है उस पर डेटा अपडेट अपने आप हो जाएगा तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है जल्दूत ऐप को डबू आर आई एस पोर्टल के साथ जल्दूत ऐप पर अपडेट होगा और तुरंत अपडेट हो जाएगा डब्ल्यू आर आई एस पोर्टल पर दोस्तों हाँ। तो पॉलिसी मेकिंग को फायदा मिलेगा क्या मेरी बातें पहुंच पा रही हैं आप तक <coughs> 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 क्या दोस्तों बातें क्लियर है मेरी आपको यहां पर डब्ल्यू आर आई एस पोर्टल पूरा क्लियर है ये मैं याद रखिएगा तो राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र नेशनल वाटर सोर्स सेंटर या नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर आपका दोस्तों कब बनाया गया है? इसको अट्ठारह में तैयार किया गया है पोर्टल बहुत पहले तैयार हो गया था लेकिन अब इसके लिए सेंटर बना दिया गया दोस्तों बकायदा था। तो अठारह में इसको सेंटर तैयार किया गया ठीक है यहाँ पर तो एक पोर्टल इसके पास कौन सा पोर्टल बताया मैंने आपको इंडिया डब्ल्यू आर एस पोर्टल भी इसका है दोस्तों जल सूचना विज्ञान केंद्र के पास खुद का एक पोर्टल है इंडिया वारिस पोर्टल या इंडिया डब्लू आर आई एस पोर्टल दोस्तों ठीक है ना तो ये सिंगल विंडो पोर्टल भी है और संस्था का नाम क्या है राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र इसको बनाया गया था अठारह में आकर हो पाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा टॉपिक तैयार हमारा क्या हमारे टॉपिक यहाँ तक पूरे हो चुके हैं कहाँ तक दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें आपके साथ डैम हो गया ड्रिप हो गया डब्ल्यू आर एस एन आई सी दोस्तों ये भी हो गया हमारा एन डब्ल्यू एन डब्ल्यू डी ए भी हो गया हमारा दोस्तों और इसके अलावा मैंने बात की आपके साथ पीछे ये सब हमारे काम हो चुके हैं सारे हमारे हो चुके हैं दोस्तों ये पूरा पेज निपट चुका है ठीक है सर चलिए अब इसके अंदर बचाए दोस्तों दो चीज़ें करने के लिए आगे बढ़े हम लोग YouTube के मित्र हमारे कोई यार छेड़खानी करते हो नींद आ रही है सर जाओ सो जाओ ऐसा काम क्यों करते हो यार डांट खाना पड़े ठीक है सर सब कुछ ठीक है हमारे बीच ठीक है सर सब कुछ ठीक है ठीक है सर प्लीज बी कंटिन्यू वन लाइन इंडिया बांग्लादेश आइए बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश का दोस्तों दोनों देशों के बीच में एक कमीशन तैयार किया गया था यहाँ पर जल संसाधन आयोग वाटर रिसोर्स या आ, वाटर रिसोर्स कमीशन या जल संसाधन आयोग तैयार किया गया दोस्तों दोनों राज्यों के राष्ट्रों के बीच में सीधा मूव करेंगे हम लोग इंडिया बांग्लादेश पर आपके साथ पाँच मिनट देख लीजिए टॉपिक काम का है दोस्तों आपके साथ ये ठीक है आइए तो दोनों देशों ने इसका यूज़ किया यहाँ पर आइए अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच में कुश्यारा नदी दोस्तों जो भारत से बांग्लादेश में जाती है कुश्यारा नदी नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश में जाती है उसके पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है तब इस संस्था का नाम आया था दोस्तों जे का सुन लीजिए यहाँ पर यहाँ पर हम देखें दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत कुश्यारा नदी का जो लीन सीजन होता है जो सूखा समय होता है ड्राई सीजन होता है दोस्तों नदी का अगर हम कहें हिमालय नदियों का ड्राई सीजन कब होता है मानसून ख़त्म होने के बाद से लेकर दोस्तों जी हाँ तो एक नवंबर से लेकर इकतीस मई के बीच में सूखा मौसम जो होता है या जिसका ड्राई सीजन बोलते हैं हम लोग यहाँ पर उस दौरान दोनों देश वन क्यूसेक पानी निकाल सकेंगे वन क्यूसेक इंडिया निकालेगा इसमें से वन फिफ्टी बांग्लादेश के लिए छोड़ देगा पानी निकालेंगे बाकी पानी रिवर फ्लो बना रहेगा कम से कम पानी छोड़ दिया जाएगा अपन नदी के अंदर जिससे तो रिवर का फ्लो बना रहा है रिवर की मछलियाँ बनी रहें दोस्तों तो इस पर एग्रीमेंट बन गया है यहाँ पर तो जल शक्ति मंत्रालय और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री में एग्रीमेंट हुआ दोस्तों यहाँ पर ये इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों ने इसके लिए आ, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का फैसला किया कि इस एग्रीमेंट का पालन ढंग से हो इसके लिए क्या किया दोस्तों हमने एक एक टीम बनाने का फैसला किया है ज्वाइंट मॉनिटरिंग टीम बनाने का फैसला किया है जिससे निगरानी कर सकें कि दोनों देश अपना वादा पूरा कर रहे हैं या नहीं याद रखिएगा इसमें नाम क्या बताया मैंने आपको दोनों देशों ने दोनों देशों ने इस प्रकार के वाटर रिसोर्स को बंटवारे के लिए एक पर कमीशन बना रखा इसका नाम है जॉइंट रिसोर्स कमीशन संयुक्त संसाधन आयोग संयुक्त जल संसाधन आयोग बोलते हैं हम लोग तो जॉइंट कमीशन बना हुआ है दोस्तों जो उस प्रकार की रिकमेंडेशन देता है कौन सी नदियों का पानी बांटा जा सकता है उसने रिकमेंडेशन दी को दीदी दी, दी कि कुशियार के बांट सकते हैं आप लोग और फिर जब शेख हसीना भारत आई एग्रीमेंट साइन हो गया तो जॉइंट रिसोर्स कमीशन जो है उसकी सलाह पर या उसके उसके आइडेंटिफाई किया उसने उसके बाद ये काम किया गया तो ये सेटअप कब किया गया, गया दोस्तों नाइनटीन सेवनटी में मनाया गया था आपका जॉइंट रिसोर्स कमीशन भारत और तो बांग्लादेश के बीच पानी को लेकर सहमति बनती है इसमें ठीक है दोस्तों या देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ इंडेक्स की यहाँ पर तो जॉइंट रिसोर्स कमीशन दोस्तों या आप देख रहे हैं संस्था का नाम यहाँ पर सेवन टू में इसको बनाया गया तो बहत्तर बनाया गया था पचास साल पहले दोस्तों इसको इंडिया बांग्लादेश में काम करता है अभी हाल ही में कुश्यार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर इसने एडवाइस भी की थी देश के अंदर चलिए सर ठीक है सर ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट है दोस्तों आईडब्ल्यू पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान देखिए सारी बातें मैं कह रहा हूं आपसे अपडेट uh, भी कर रहा हूँ मैं आपको और इसका बेसिक पार्ट भी करा रहा हूँ जिससे ईयर बुक जो ट्रेडिशनल पार्ट होती है प्लस अपडेट जो कि करंट के अंदर पार्ट करना होता है एम का अपना तो एम कहने के लिए अभी एम का मतलब है मिनिस्ट्री प्लस ईयर बुक ठीक है ना दोनों चीज़ आ गई एम में मिनिस्ट्री अपडेट क्या है प्लस ईयर बुक क्या है दोनों को जोड़ दिया दोस्तों मैंने आपके एम में अब तो ईयर बुक भी आ गई आपकी और मिनिस्ट्री भी आ गई दोस्तों ठीक है चलिए तो बच्चे लगातार बोल रहे सर ई बुक पढ़ा दीजिए ईयर बुक करा दीजिए तो मेरा ईयर बुक चलिए इस बहाने कम से कम हो जाएगी हमारी चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं आई के बारे में आई क्या है इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों क्या जानते हैं इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं हमारा फटा फटाफट आते हैं दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी पर आपके साथ इंडस वाटर ट्रीटी का मैप है कहीं हमारे पास ही रहा जैसा आप जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों नाइनटीन में इसको साइन किया गया था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी भारत की जो उत्तर की नदियाँ उससे दो भागों में बांटा गया पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ पूर्वी नदियाँ यानी कि रावी ब्यास सतलज आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर रावी ब्यास सतलज पूर्वी नदियाँ दोस्तों और झेलम चिनाब और सिंध यानी कि पश्चिमी नदियाँ ये नदियाँ पश्चिमी हो गई ये नदियाँ पूर्वी हो गई पूर्व नदियों भारत को अधिक अधिकार दिया गया ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान डिवीज़न uh, किया गया नदियों को दोस्तों वेस्ट बैंक वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हम देखें यहाँ पर ईस्टर्न रिवर दी गई भारत को और वेस्टर्न रिवर दी गई पाकिस्तान को इंडस झेलम चिनाब आईजेसी ब्यास रावी सतलज बी आर एस तीन तीन नदियाँ बांटी गई दोस्तों हमारे काम का भी संधि नहीं है हमारे काम का इसके अंदर का पॉइंट है तो सुन लीजिए यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, गया संधि में इसमें कहा गया अभी दोनों देश आप जान लीजिए आई साइन कर रहे हैं उन में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्था में आप दो नदियाँ बनेंगी यहाँ पर और नदियाँ बनेंगी यहाँ बनाइए आराम से लेकिन कल विवाद हो गया मान लो इंडिया को शिकायत है पाकिस्तान से पाकिस्तान को शिकायत है भारत से नदी के बारे में तो कहाँ जाएंगे आप लोग तो इंडस वाटर ट्रीटी ना केवल पानी का बंटवारा करती है माफ कीजिएगा नदियों का बंटवारा करती है बाकी बल्कि ये शिकायत समाधान का तंत्र तैयार करती है एक गवर्नांस ट्रेडिशनल गवनांस तैयार करती है भी शिकायत समाधान कहाँ मिलेगा उसे मैकेनिज्म तैयार करती है अब इसमें क्या कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी में सुनिएगा आराम से इसमें कहा गया कि यदि विवाद होता है इनके बीच यदि विवाद इनके बीच कभी होता है तो सबसे पहले जॉइंट वाटर एक एक परमानेंट वार्ट, इंडस वाटर कमीशन होगा सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप पी के पास परमानेंट इंडस वाटर कमीशन स्थाई सिंधु जल आयोग एक परमानेंट बॉडी होगी दोस्तों जिसकी साल में दो बार मुलाकात हुआ करेगी एक बार इंडिया मिला करेंगे ये लोग या पाकिस्तान में मिला करेंगे तो एक साल में दो बार मीटिंग जरूर हुआ करेगी सिंधी स्थाई सिंधु जल आयोग की परमानेंट इंडस वाटर कमीशन की जिसमें दोनों देशों के अधिकारी बैठेंगे जिसको शिकायत करनी करिए आराम से इंडस वाटर कमीशन जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा और फैसला मानना पड़ेगा यानी कि स्थायी जल सिंधु आयोग पर आप शिकायत कर सकते हैं साल में दो बार मीटिंग होगी 60 सालों में लगभग दो बार इसकी मीटिंग होती थी 120 मीटिंग इसकी लगभग हो चुकी हैं ठीक काम कर रहा है ये शिकायत होती है पहुँच जाइए इंडस्ट वाटर कमीशन के पास छः महीने मीटिंग होती है शिकायत कर दीजिए वो जाँच करेगा परखेगा फैसला दे देगा अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं हैं ठीक है तो कहां जाएंगे फिर आप फिर आप जाएंगे दोस्तों वर्ल्ड बैंक के पास फिर आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास यहां केयरफुली फिर आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास दोस्तों वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल पर्सन पुं पॉइंट करेगा आपकी शिकायत पर इसके फैसले के आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास अब जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास दोस्तों शिकायत लेकर वर्ल्ड बैंक क्या करेगा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ एक व्यक्ति अपॉइंट करेगा वो एक्सपर्ट अपॉइंट टीम अपॉइंट करेगा और वहाँ मामला चलेगा फिर आपका उसका फैसला आ गया उससे भी खुश नहीं है आप तो फिर आप जा सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए के पास स्थाई पंचायत के पास शॉर्ट ऑफ एक मध्यस्थ कराने के आर्बिट्रेशन के लिए शिकायत करने के लिए वर्ल्ड कोर्ट नहीं है बेटा ये ये कोई आईसीसी नहीं है कोई आईसीजे नहीं है ये केवल मध्यस्थ हैं पंचाट बैठे हैं भैया जज साहब है न्यूट्रल हम दोनों पहुंच गए भैया हमारा केस देख लो दोनों के पक्ष देख लो संधि पढ़ लो हमारा विवाद उसको सॉल्व कर दो तो पी यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं दोस्तों इसके बाद ठीक है पाकिस्तान ने क्या किया इस साल दोस्तों पहले शिकायत की हमारी दो परियोजना को लेकर यहाँ उसने दो परियोजना किशन परियोजना किशन परियोजना और एक है दोस्तों रताले परियोजना हमारी किशन इसी नदी में बन रही इसी नाम से दोस्तों ये झीलम की सहायक नदी है किशन गंगा नताले बन रही है चिनाब नदी पर पाकिस्तान को आपत्ति थी हमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान शिकायत करने गया इसने कहा सब ठीक है जनाब पाकिस्तान भगो यहाँ से तुम वर्ल्ड बैंक के पास गया पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ने बनाया एक एक मध्यस्थ ग्रुप बनाया उसने जांच करने के लिए उसका फैसला आए बिना पाकिस्तान कहाँ चला गया पीसीए के पास चला गया तो भारतीय ये क्या बात कर रहे हो भाई खेलना है कि नहीं खेलना तुमको पाकिस्तान पहले वर्ल्ड बैंक का फैसला तो मान दो तब तो जाओगे वहाँ पी के पास पाकिस्तान नहीं नहीं ऐसे हुआ हम तो ऐसे ही करेंगे जाओ यहाँ से तो भारत ने कहा सुनो पाकिस्तान अगर तुम्हें संधि के नियम के तहत नहीं चलना है तो बता दो हम संधि तोड़ देते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा में रही दोस्तों भारत ने खुलेआम वार्निंग दी पाकिस्तान को यहाँ पर अगर पाकिस्तान नहीं समझता इस बात को पाकिस्तान इंडिया नोटिस टू पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रिटी भारत ने नोटिस दिया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों को पाकिस्तान बदलने का प्रयास करता है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इससे संधि को लागू कर पाना मुश्किल हो जाएगा संधि को काम करना मुश्किल हो जाएगा यानी भारत ने खुली चेतावनी दे दी दोस्तों पाकिस्तान को यहाँ पर तो यहाँ पर क्लियर कहता है भैया आप के के आ, डील कैसे करेंगे मामले को दोस्तों यहाँ पर डील कैसे करेंगे आप जा सकते हैं इंडस वाटर कमीशन के पास फिर वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास और यहाँ से आप जा सकते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास तो पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गया इसका फैसला आए बिना पाकिस्तान कहाँ चला गया दोस्तों पी के पास मामला कौन से परियोजना का है किशनगंगा परियोजना और रताले परियोजना ये है दोस्तों किशनगंगा नदी पर जो झेलम की सहायक नदी है रताले है चिनाब नदी पर दोस्तों दोस्तों याद करेंगे सारी बातें पाकिस्तान को इसमें आपत्ति आपत्ति है हो पाएगा टॉपिक तैयार क्या हो पाएगा प्रॉब्लम हमारा दोस्तों यहाँ पर ये तो चर्चा में रहा सिंधु जल आयोग और चर्चा में रहा अपना ये टॉपिक भी और इसके साथ ही हमारा ये पेज भी दोस्तों पूरा होता है क्या ये पेज पूरा हो गया हमारा सारा टॉपिक होगा हमारे सर अगर क्या है सर अगर लेटेस्ट पॉइंट डिफरेंट है और इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो तो फेस सेंटर कितना होता है और आपका कप... ठीक है सर है चलो चलिए बेटा पानी का सवाल नहीं है ये चलो आगे बढ़े हम लोग यहां से फिर ठीक है आगे चले हम लोग यहां से चलिए तो आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लास को भी रोकेंगे आ, कल एक और लेक्चर होगा सेम मिनिस्ट्री पे दोस्तों क्योंकि अभी काम बचा है इसमें काफी करने के लिए काम काफ़ी बचा है दोस्तों पूरी स्लाइड बची है मेरी करने के लिए और एक घंटा लगने वाला है इस पूरे काम में नेशनल क्लीन गंगा मिशन की बात करना हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करना हो इसके अंदर बहुत सारी बातें करने के लिए दोस्तों इसके अलावा गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन 11 राज्यों में 22 नदियों पर चलता हुआ दोस्तों आ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करना हो सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करना हो इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं तो काफ़ी लेक्चर और है दोस्तों बात करने का कल इसका पार्ट टू होगा शाम रात ग्यारह बजे दोस्तों उम्मीद करूँगा मेरी बात तो आ पहुंच गई होगी लक्ष्य पसंद आया होगा दोस्तों बाकी दोस्तों याद रखिएगा कल दिन में बारह बजे टेस्ट देने आप आ सकते हैं इसी एनअकेडमी ऐप पर हमारी यूट्यूब पर नहीं होगा अनएकेडमी ऐप पर होगा दोस्तों टेस्ट आपका दिन में बारह बजे शर्तें बता दी सारी मैंने आपको उसमें करने के लिए काम आपको वहाँ पर ठीक है चलिए तो ये है दोस्तों टॉपिक आपका आपका यहाँ का मिलते हैं मुलाकात करेंगे कल आपके साथ अभी दीजिए मुझे आ गया यूट्यूब और ऐप पर दोनों जगह मुलाकात होगी कल आपके साथ तब तक दीजिए जाएंगे आप थैंक यू शुक्रिया जय हिंद